नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में उससे बड़े संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा सेक्शन जो आज रहेगा, आपके कुछ करंट के प्रश्न रहेंगे, इसके साथ साथ जो ऑथर प्रश्न है जो कि आपके डेली के 10 रहते हैं वह भी रहेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो आप जरूर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है यह बनाने के लिए 25 करोड़ की जो रुपए हैं इसकी स्वीकृति किए हैं। तो सही जवाब है आपका तेलंगाना। तेलंगाना ने 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अगला है आपके पास, किस बैंक ने VRN पे कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट जो कि वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? सही जवाब है आपका एक्सिस बैंक ने क्या किया हैगा, VRN पे जो कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट होता है जिसमें कि वियरेबल डिवाइस, इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, किसे IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है, मतलब कि पुनः चुना गया है? तो IOC के जो अध्यक्ष के रूप में थॉमस बॉक को फिर से चुना गया है। इस तरह आपका थॉमस बॉक सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोको का निधन हुआ है? सही जवाब है आपका आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम क्या है, हामिद बाकायोको, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस तरह आपका आइवरी कोस्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने के लिए अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है, दोहरा शतक लगाया है, कहाँ के हैं यह तो अफगानिस्तान के, इनका नाम पूछा गया है तो इनका नाम है हशमत उल्लाह शाहिदी। ठीक है, हशमत उल्लाह शाहिदी जो है यह टेस्ट क्रिकेट दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भूमि रिकॉर्ड डिजिटल जो डिजिटलकरण है इसमें क्या शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग के किस राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश दिया है? चुनाव आयोग के किस राज्य का पूछा गया है? तो पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब रहेगा। पश्चिम बंगाल के जो यहाँ के राज्य के जो पुलिस महानिदेशक है इनको हटाने का आदेश दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में हेल्थ उत्सव कहाँ मनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि हाल ही में जो हेल्थ उत्सव मनाया गया है यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में क्या मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में हेल्थ उत्सव है यह मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, ठीक है, भारत का है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सौर संयंत्र है यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर जो मध्य प्रदेश है यह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है आपका कि यंग ग्लोबल लीडर की WFE सूची में किसे शामिल किया गया है? यानी कि दीपिका जो पादुको है इन्हें यंग ग्लोबल लीडर की WFE जो सूची है इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस तरह हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं करंट अफेयर के। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे जो डेली के प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल, वो जो क्वेश्चन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि हिंदू पौराणिक कहता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह प्रक्रिया क्या है जिसके माध्यम से राक्षसों और देवताओं के जीवन का अमृत प्राप्त हुआ था? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन है आपके पास महिषासुरदमन, समुद्र मंथन, शिवरात्रि या फिर इसमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि जो अमृत मंथन हुआ था उसमें क्या हुआ था, यह समुद्र के मंथन में ही प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र मंथन। चलिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान था कि अमृत या जीवन का जो अमृत है यह भगवान शिव की सहायता से प्राप्त किया गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, सबसे जो पहले प्राप्तकर्ता है इनके बारे में पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है इसके जो पहले, ठीक है, प्रथम पूछा गया कि प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वह कौन थे? ऑप्शन है आपके पास दीपिका रानी, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर या फिर राजकुमार। ठीक है,
इसका सही जवाब है आपका देविका रानी जो है, इन्हें प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार इन्हें ही प्राप्त हुआ था। चलिए, देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी और 1969 में जो 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? 1969 में 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसके अवसर पर देविका रानी जो है इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से पहली प्राप्तकर्ता थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि दादा साहेब फाल्के के बारे में सही कथन चुनें। कहता है कि जिन्होंने भारतीय सिनेमा के पहली फीचर फिल्म मुगल ए आजमाई बनाई थी, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि उन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो दादा साहेब फाल्के हैं इन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में ही जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय सिनेमा है इसके रूप में दादा साहेब फाल्के को ही जाना जाता है। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पिता महा कहा जाता है। उन्हें 1913 में, कब 1913 में, भारत की जो पहली पूर्व लंबी फीचर फिल्म थी, कौन सी थी? भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म जो कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। फिल्म का क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र बनाई थी 1913 में। किसने? अपने दादा साहेब फाल्के ने, इसलिए इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार का जो प्रशासन है किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ द हग नोबेल फाउंडेशन इन स्कॉटहोम, सी है आपका द वर्ल्ड बैंक, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम आपका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे हम, नोबेल पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कौन से स्तर पर दिया जाता है? तो आपका एक प्रश्न यह भी हो जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार है यह राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला पुरस्कार है, जिसे स्वीडन के स्टॉकहोम नोबेल फाउंडेशन में जो नोबेल फाउंडेशन है इसके द्वारा ही प्रशासित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध मुद्राओं के बारे में सही है? ऑप्शन में आपके पास गोद में मुड़ा हुआ हाथ ध्यान को दर्शाता है, एक खाली हथेली जो नीचे की ओर इशारा करती है उदारता के प्रतीक है। हम आपको बता दें कि जो बौद्ध मुद्रा है उसके बारे में सही कथन है वह दोनों ही आपके सही है, यानी कि इसमें क्या था कि गोद में जो मुड़ा हुआ हाथ, मतलब गोद में मुड़ा हुआ हाथ रखना उसे क्या आता है कि ध्यान को दर्शाता है, और जो अपने हाथ एक खुली हथेली होती है उसको नीचे की ओर इशारा करने से क्या होता है? उदारता का प्रतीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम, बौद्ध की जो सामान्य रूप से पाए जाने वाली जो मुद्राएं हैं या अभ्यावेदन हाथ की ओर मुड़े हुए होती है जो कि ध्यान को दर्शाती है। आपको ऑप्शन में बताया, एक हथेली जो बाहर की ओर होती है वह शिक्षण या आश्वासन के कार्य को इंगित करती है, एक खुली हथेली के जो नीचे ओर इंगती है इसे क्या होता है? उदारता का संकेत प्राप्त होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म में जो समाधि मुद्रा है उसके बारे में क्या सच है? ऑप्शन आपके पास, यह दो हाथों की मदद से किया जाता था जिसे गोद में रखा जाता था और बाएं हाथ की को दाएं उंगलियों के ऊपर रखा जाता था। दूसरा है आपके पास, यह बौद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बौद्ध अमिताभ और चिकित्सा बौद्ध है। तीसरा है आपके पास कि केवल पहला, केवल दूसरा या फिर दोनों। आपको बता दें कि जो यह बौद्ध धर्म में समाधि मुद्रा होती है इसमें क्या होता है, यह एक बोधि शाक्य मुनि यानी कि ध्यान बौद्ध, जो अमिताभ और चिकित्सा बौद्ध होते हैं इनकी एक विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यह बौद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी और बौद्ध जो अमिताभ है और चिकित्सा बौद्ध, यह क्या है? एक विशेषता है। देखिए कि जो समाधि का यह योग मुद्रा दोनों हाथों की मदद से की जाती है जो कि गोद में रखी जाती है और बाएं हाथ पर दाहिने हाथों के ऊपर की ओर उंगलियां, अंगूठे ऊपर की ओर और दोनों हाथों की जो उंगलियां होती है वह एक दूसरे को ओर टकराती रखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें बौद्ध जो शाक्य मुनि थे, जिसमें ध्यान बुद्धि अमिताभ और जो चिकित्सा बुद्ध थे, इनके जो विशिष्ट हाव भाव है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि
पगोड़ा क्या है? ऑप्शन है आपके पास एशियाई मंदिर, एक जानवर, एक बौद्ध मुद्रा या फिर इसमें से कोई नहीं। अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह पगोड़ा होता क्या है। आपको बता दें कि यह एक एशियाई मंदिर है जिसका नाम क्या है पगोड़ा। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ जान लेंगे। पगोड़ा एक एशियाई मंदिर है जो कि आमतौर पर एक पिरामिड यानी कि टावर या शंकु के आकार की यह संरचना होती है, जिसे क्या कहा गया, जिसे पगोड़ा कहा जाता है, जो कि क्या है, एक एशियाई मंदिर है, या तो फिर इसे पिरामिड कहेंगे या टावर या शंकु के आकार की यह एक संरचना है, तो इसे तीनों नाम दे दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किन मंदिरों को आमतौर पर उनके भौगोलिक स्थानों के आधार पर नगर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है आपका जो कृष्ण द्वीप है वह कन्याकुमारी के बीच स्थित है, जो उत्तर भारत में स्थित है, जो तटीय मैदानों पर स्थित है, या फिर जो थार में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत के जो निम्न किन मंदिरों को आमतौर पर क्या किया गया, भौगोलिक स्थानों के आधार पर नगर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर भारत में स्थित है ना, उन्हें ही क्या किया गया है, भौगोलिक के स्थानों के आधार पर नगर की शैली में वर्गीकृत किया गया है। कहता है कि शिल्पा सट्रास के अनुसार उत्तर मंदिर आमतौर पर नागर शैली के होते हैं। काय के होते हैं? नागर शैली के होते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके पास तीरथ सिंह रावत, अजय भट्टा, धन सिंह रावत या फिर धन सिंह राव अनूनी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि अनिल बलूनी। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर, तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, यह आपके लिए वर्क रहेगा, जिस क्योंकि यह आज इस घटना को कम से कम 2 से 3 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो आप सभी को इसका उत्तर ज़रूर पता ही होगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक अगली क्लास में।